लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी पूरा श्वास लेंगे, पूरा छोड़ो। 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम। अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी पूरा श्वास लेंगे, पूरा छोड़ो। 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। 90% रोग तो आपके 1 घंटा योगाभ्यास करने से, 99% रोग सुबह 5 से 7 2 घंटा समय दे, घर परिवार बिजनेस व्यापार के लिए आपने 24 घंटे दे रखे, जीवन बचेगा तो घर परिवार बिजनेस व्यापार चलेगा ना। जीवन को बचाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए गुरु भगवान की शरणागति में योग यजन भजन, यह जो योगी का आध्यात्मिक सात्विक जीवन शैली है ना, इसका आश्रय। लंबे लंबे श्वास, जो पूरा कर सके मेरे साथ पूरा कर लेना, जो पूरा ना कर सके वो सूक्ष्म व्यायाम ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन कर लेना, करना अवश्य। तो
एक अभ्यास 10-10 बार इनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो, 10 बार सूर्य नमस्कार भी कर ले, 10 बार सूर्य नमस्कार मेरे दाहिनी और हमारे पूज्य स्वामी दुनिया सारी करके सारी रस्में अदा मैं मांगू भक्ति थारी। खासु है प्रीत है, खासु है रीत है, खासु है दुनिया सारी करके सारी रस्में अदा मैं मांगू भक्ति थारी। खुदे जो करुणा रिखोरी माने साथ दसियों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जिंदगी में कुछ भी करेंगे तो ध्यान के साथ करना पड़ेगा, विधि विधान के साथ करना पड़ेगा, एकाग्रता, निरंतरता, अंतर्मुखता और गहराई में उतर करके उसको करना और जीना पड़ेगा, जिससे जितना बन पाए ऐसे। अब अपने पैरों को आपको बहुत अच्छा बनाना है, एक तो एक एक अभ्यास को, ये तो धीरे वाला हो गया, आधा करो या पूरा करो, थोड़ा मजबूत है इसे तेजी से कर लो इसे, और मजबूत है तो थोड़ा ऐसे ऐसे, थोड़ा और मजबूत है तो ऐसे कर लिया ऐसे। चलो अब बैठ जाओ, बैठ करके आराम नहीं करना है, बैठ करके ऐसे नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आ गए,
एक तो ये तरीका, ऐसा करो सब उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके दो अभ्यास तो सभी कर लेते हैं, भुजंगासन ऐसे, दोनों हाथ पार्श्व भागों में ऐसे, ऐसे। और ऐसे तो ऐसा करना, आप में से 90% भाई तो भुजंगासन और मकर आसन यही कर लेना पूज्य स्वामी इष्ट देव जी महाराज जी के साथ साथ। ऐसे अब तीन बातें एक साथ बता रहा हूं जिनको स्वस्थ जीवन जीना है, हेल्दी जीवन, हैप्पी जीवन, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस पीसफुल लाइफ जीना, ये प्रत्येक आत्मा की मांग है, वो तो ऐसे ही कर लेना 10-20 बार एक एक अभ्यास को ऐसे किया, 10-20 बार तो बहुत इजीली हो जाता है, ऐसे और ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब जिनको बॉडी को परफेक्ट शेप में लाना है, स्वस्थ सुंदर सडोल आकर्षक तन बदन मन जीवन बनाना है, तो थोड़ा अतिरिक्त तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जिनको आइडियल अल्टीमेट हेल्थ, हेल्थ के फिटनेस के रोल मॉडल बनना है आपका, तो बस मैं जो अब 5 अभ्यास बताने जा रहा हूं, इन 5 अभ्यासों को थोड़ा मजबूती से कर लेना। ये तो भुजंगासन तो सब करते रहो, ये तो साधारण दंडो ऐसे नीचे गए ऊपर उठे वापस आ गए। अब इसमें जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब जो मजबूत है वो मेरा साथ निभाना, देखो करीब आप में से जो अंडर 60 है वो तो कर पाएंगे ऐसे एक ही अभ्यास ऐसे, और आप में स्फूर्ति है तो एक ही बार में पूरे शरीर पर ऐसे फेंक दिया और फिर वापस लिया, धीरे धीरे होगा। फिर है स्फूर्ति के साथ ही चक्र दंड ऐसे, होले होले करो तो ऐसे, आप तो हार मान के बैठे ही गए, बोले भाव ये बखेड़ा हमसे ना होगा, बखेड़ा नहीं है ये तो, अभी थोड़ा सा ही छेड़ा है आपको, देखो ऐसे करो 10 बार से शुरू करके हमने अपने एक सन्यासी इसी काम में लगा रखा ऐसे ऐसे, थक जाओ तो ऐसे ऐसे करो
अरे तो थोड़ी समर्थ है वे पार्षद अंडे से साइड में ले गए पैर ऐसे ऐसे और तेजी से करना है तो एक दंड का नाम है अब हनुमान दंड से आराम से नीचे चुके ऊपर उठे ऐसे अब जवानों को तो ज्यादा शक्ति स्फूर्ति ऊर्जा चाहिए ना तो ऐसे कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे पलट दंड चक्र दंड पार्श्व दंड हनुमान दंड साधारण दंड और ये मिश्र दंड है एक बार तो ऐसे इतना पसीना आना चाहिए आपका भी टपका जैसे पसीना नहीं टपकाएंगे वो खुद ही टपक जाएंगे अब तय कर लो पसीना टपकाओगे पसीना बहाओगे तो बर्बाद होने से बच जाओगे नहीं तो रोग भोग बड़े खतरनाक चलो ये बता दिया आपको हेल्थ फिटनेस का पावर योगा का एक सेशन जो अधिक न कर पाए तो हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी की तरह ऐसे 10-10, 20-20 बार करके 100-200 बार कर लेना चलो जी ऐसे करो अब इधर आओ महात्मा जी आप दाएं तरफ पूज्य साध्वी देवार्चना जी आ जाएंगे देखो 5 से 7 अभ्यास ऐसे करना योगा फॉर ऑपोजिट आप तो मकरासन भुजंगासन सर्वासन धनुरासन मरकटासन अर्धपवन मुक्तासन एक पाद उत्तानासन देखो मेरे बाईं तरफ तो ये मेरुदंड के लिए अभ्यास चल रहे हैं वो कर लिया मेरुदंड के अभ्यास ब्रेथ को होल्ड करके अथवा दीर्घ श्वसन के साथ वस्त्रिका कपाल बंद के साथ अभी आपको मैंने कहा घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के लिए आप पूरा समय देते हो 8 से 18 घंटा जी तोड़ मेहनत करते हो ये सब किसके लिए है ये सब है जीवन को सुखी बनाने के लिए खुशहाल जीवन के लिए जीवन बचेगा तो घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार चलेगा ना तो जीवन को बचाने के लिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या बोला जीवन को बचाने के लिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए 1 घंटे का समय दे देना आप
आपका जीवन अच्छा हो, मतलब आप के हाथ पैर पेट पीठ आपका लिवर किडनी हार्ट ब्रेन लॉन्ग आपका तन मन चित्त चेतना आत्मा आपका आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव अच्छा होना, ये है जीवन अच्छा होने का मतलब। तो ये स्थित कोणासन चक्की आसन, देखो योग करते करते आपके हाथ पैर पेट पेट पीठ की स्थिति एकदम आइडियल होनी चाहिए ना। देख दो अभ्यास बता रहा हूं, हाथ ऐसे रखो और कोशिश करो आप हाथों पर शरीर को उठा लाओ, अंगुलियों पर उठा लो तो बहुत अच्छी बात है। उठा पाए? बोले बाबा जी ये उठाने लगे तो इधर से उठाएंगे तो पैर नहीं उठेंगे, पैर उठाया तो कुल्ले नहीं उठेंगे, एक साथ उठाना चैलेंजिंग होता है, उठाना तो पड़ेगा। तो पूरे पैर की एक एक मसल की ट्यूनिंग परफेक्ट हो जाएगी। अब आपके पैर इतने अच्छे ना हो तो ये तो कर लो, आगे पीछे दबा लो, गोल गोल घुमा लो, बटरफ्लाई कर लो, ये कर लो। अपने बच्चों को योग करने की आदत डालना, जो आदत बचपन में जवानी में पड़ जाएगी जिंदगी भर वैसी आप जीवन को जियोगे। जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनको तो अब आपके साथ में चार तरह के प्रोटोकॉल चल रहे हैं अब यहाँ, एक तो योगा फॉर स्पाइनल कोड, एक योगा फॉर ओबिसिटी स्थित कोणासन चक्की आसन और मैं कर रहा हूं अभी सूक्ष्म व्यायाम, ऐसी सूक्ष्म व्यायाम जिनको जोड़ों में दर्द है, एक एक ज्वाइंट के अभ्यास, अब जिनके हाथ जाम है पूरे तो उनको 100-200 बार ऐसे करना पड़ेगा, कौन कलाइया जाम है कौन ये जाम है तो ऐसे ऐसे, और जो अधिक नहीं कर सके और जो थोड़े समर्थ हैं वे सिद्धासन सुखासन पद्मासन में बैठ के और समर्थ हैं तो पचास से 100 बार सब कर सकते हैं, 150-200 बार वाली स्पीड अपवाद रूप में जो अत्यंत बलशाली व्यक्ति है उनके लिए है। तो 50 से 100 बार वाला तो सभी कर सकते हैं। बस तरीका 50 से 100 बार एक बार सुबह सुबह से पूरा पसीने से लथपथ होना चाहिए। दिसंबर जनवरी का महीना हो या मई जून का महीना हो, मई जून में तो करीब 1 लीटर पसीना निकल जाता है।
दिसंबर जनवरी में भी 100-200 ग्राम तो निकालो। सुबह सुबह एक बार पूरे शरीर को पसीने से निचोड़ दो। कुछ लोग शरीर को पपोल पपोल के रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्नान भी करेंगे तो ऐसे स्नान करते समय शरीर पूछते भी है ना, तौलिए से ऐसे ऐसे पूछते, खरोंच ना लग जाए। हे मेरा, एक बार पूरे शरीर को निचोड़ दो पसीने से, 37 ट्रिलियन सेल्स आपके एनर्जाइज हो जाएंगे, 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, 2,400 किलोमीटर लंबा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक एक सेल से लेकर के पूरी सोल, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गेन, उनसे बना हुआ पूरा रिप्रोडक्टिव ऑक्सक्रेटिव डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी ऑर्गेन्स स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्न में प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में कोश पंच महाभूत पंच प्राण पंच उप प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय अंतकर्ण चतुष्टय, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतकर्ण चतुष्टय, 72,72,00,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नव द्वार, ये देह देवालय है, पिंड में सारा ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है। गति से मध्यम गति से तीव्र गति से तो अपवाद रूप में, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स, फिर अनुलोम विलोम, एक क्षण भी आराम से नहीं बैठ रहे, लंबा अभ्यास कर। अब दार्शनिक तौर पर सैद्धांतिक तौर पर एक बहुत बड़ा तत्व तो आपके सामने रखता हूं। कल दिन भर हंगामा था, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी वर्सेस एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस, और उसमें भी साइंस तो अच्छी है, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया, पहले यही वाला पहाड़ है, पहले बहुत ऊंचा था। योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी ही नहीं, अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक सनातन विरासत को इतने तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से एक बात कह रहा, सिंथेटिक विटामिन्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आप खाते रहते हो, या आप जब टेस्ट कराते हो तो ब्लड में दिख तो जाता है कि भाई विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आ तो रहा है ब्लड में, लेकिन वो शरीर में लगता नहीं है, वो आपकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। कपाल भाती, अनुलोम विलोम लंबा करो जरा। दूसरी बात, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए, वात, पित्त, कफ रोगों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए जो आप सिंथेटिक दवाइयां खाते हो केमिकल से बनी हुई, पेन किलर से लेकर के स्टीरॉइड से लेकर के इनहेलर से लेकर के बायोलॉजिकल से लेकर के अलग अलग प्रकार के केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, इंसुलिन आदि का उपयोग करते हो, और ये सब क्या है, ये सिंथेटिक दवाइयां है, कृत्रिम दवाइयां है, ये रासायनिक दवाइयां है, जहरीली दवाइयां है, इनके भयंकर एडवर्स इफेक्ट है। जरा गौर से सुनिए, सिंथेटिक वर्ल्ड में कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज का, कुछ बैक्टीरियल वायरल बीमारियां छोड़ दीजिए, बैक्टीरिया वायरस फंगस को तो आप किसी रसायन आदि से मार सकते हो, बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज वो भी कुछ है, सब नहीं, सब नहीं, जैसे कोरोना का अभी तक इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया,
कि कोरोना के वायरस को ये मार सके। रोज नए नए वायरस पैदा हो। दो तरह की बीमारियां, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसको कहते हैं जो किसी बैक्टीरिया वायरस फंगस से पैदा नहीं होता। जैसे मोटापा है, ये कोई बाहर के बैक्टीरिया वायरस फंगस से थोड़ी पैदा होता। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, वात पित्त कफ दोष है, शरीर में अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, बॉडी में अलग अलग प्रकार का डिजनरेशन है, ये किसी बाह्य कारण से पैदा नहीं होता। इसका आंतरिक कारण है, मुख्य रूप से तुम कारण हो इसका, हम स्वयं कारण है इसका। इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। किसी बैक्टीरिया वायरस फंगस से नहीं, आगंतुक रोग नहीं है। आयुर्वेद की भाषा में आगंतुक रोग, एलोपैथी की मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। हाँ, इसके कारण प्रदूषण है, बाहर का इन्वायरमेंट है, तुम्हारा आहार है, विचार है, वाणी है, व्यवहार है, स्वभाव है, संबंध है, आचरण है, खान पान है, दिनचर्या है, आहारचर्या है, वो इसका कारण है। करो अनुलोम विलोम, लंबा करना है ऐसे, कपाल वहाते लंबा करना है, जो कर सके वो बाह्य प्राणायाम भी करना। श्वास को बाहर छोड़ के तीन बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, मूल बंद, उड़ियान बंद, चालन करना। चाहे गले थायराइड स्नोरिंग स्लिप एपनिया, श्वास रुंध जाता है, नसें करवाते हैं, गार्गिल कराते हैं, एलवेरा, अमरूद, हल्दी, त्रिकुटा, बहेड़ा आदि डाल करके गला खुल जाता है, गंडूस से, गार्गिल से और नस्य से। उज्जाई प्राणायाम बहुत जबरदस्त है गले के लिए, थायराइड के लिए। जो अधिक योगासन न कर सके वो भस्त्रिका आराम, भक्ति, एकाग्रता, निरंतरता, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, एकाग्रता, निरंतरता, दिव्यता के साथ, एक अनुष्ठान की तरह लंबा करना भस्त्रिका। कपाल भाती लंबा कर, अनुलोम विलोम लंबा कर, जो आसन कर सके
वो मेरे साथ साथ आसन भी करना, दो से लेकर के पांच दस आसन, दो से लेकर के पांच प्राणायाम, यही आपके जीवन को रूपांतरित करने के लिए पर्याप्त है। अब देखो, मोटापा के लिए आपको बताया स्थित कोण आसन, चक्की आसन, बैठ के अब लेट करके, वो जय साध्वी जी लेट करके कर लेंगे देवाचार्य जी। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन आप निरंतरता के साथ कर लेना, इसमें भी दो ही कर लो, एक एक पैर को ऊपर उठाओ, एक एक पैर से साइकिलिंग करो, दो से ही काम चल जाएगा, तीन कर लेंगे तो एक एक पैर से करने में दिक्कत क्या है। इसलिए दो तीन से लेकर के दस तक अभ्यास कर लेंगे। अभी एक पूरा सिद्धांत बता देता हूं ओबेसिटी के लिए, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मेरुदंड के लिए आपने दो अभ्यास ही पूरे कर लिए, भुजंगासन और सीधे लेट के मरकट आसन, फिर थोड़ा थोड़ा एक पाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक एक पैर से, एक एक पैर से एक पाद उत्तानासन, शीत बंद कटी उत्तान, जिससे जितना बन पाए। फिर दूसरा राउंड, दूसरी बार करो उसको, तीसरी बार करो, पांच दस राउंड में ऐसे करना। जरा एक बहुत बड़ा सिद्धांत, एक बहुत बड़ा सनातन शाश्वत सत्य कह रहा हूं। पहले हमारे पूर्वज योग, आयुर्वेद और प्रकृति, निसर्ग के साथ, नेचर के साथ जिया करते थे। पहले हमारे पूर्वज योग, आयुर्वेद के जो स्वस्थ जीवन के सिद्धांत है, स्वस्थ वृत्त है, उसका पालन किया करते थे, प्रकृति नेचर के साथ जिया करते थे। योग, आयुर्वेद, प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप जिया करते थे। इसलिए हमारे पूर्वजों को ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये लिवर किडनी फेलियर, ये हार्ट फेलियर, ये कैंसर जैसे रोग, ये अकाल मृत्यु हार्ट अटैक जैसे रोग नहीं हुआ करते थे। लंबा अभ्यास कर लीजिए, अब हो गए तो क्या करें? अब रोग हो गए तो योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, ये पंचकर्मा षटकर्मा की, उपवास उपासना के, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड की, ये जो पूरी इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की प्रक्रिया आपको यहां करवाते हैं, उसको अपने रोग के अनुसार पूरा कर लेना। तो आप डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, बीपी से भी, थायराइड से भी मुक्त हो जाएंगे, हार्ट डिजीज भी रिवर्स हो जाएगी, आपका लिवर, आपकी किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, लंग, हार्ट, आंखें, कान, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जो भी अंदर से डैमेज हुआ है आपका शरीर, उसको रिपेयर और रिजुविनेट कर सकते हो। सिंथेटिक वर्ल्ड में, एलोपैथी में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके इस, यहां अब इस संदर्भ में अभी सोचना ही शुरू नहीं किया उन लोगों ने, तो फिर अचीव तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जिसकी अभी सोच ही नहीं है कि आप बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से, सभी लाइफस्टाइल डिजीज से आप पूर्णतः मुक्त हो सकते हो, इनका कोई स्थायी समाधान है, इनको जड़ से मिटा सकते हो, ये जहां पर विचार ही प्रारंभ नहीं हुआ है बता, वहां आप उपचार, जहां भी विचार ही प्रारंभ नहीं हुआ है, सोचना ही शुरू नहीं किया है, वहां आप उपचार, इनका स्थायी समाधान, इन डिजीज को क्योर करने की बात कैसे सोच सकते हो? मॉडर्न मेडिकल साइंस में लाइफस्टाइल डिजीज का कंट्रोल तो है, क्योर नहीं। मंडूकासन, ऐसे मुठिया नाभि की दोनों लगा दो, ऐसे
ये लंबा कर ले रहा। आयुर्वेद में क्या किया, योग में क्या किया, हमने नेचुरोपैथी में क्या किया, हमने लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने हमारी बात पूरी मानी, योग पूरा किया, आयुर्वेद की औषधि ली, खान पान पर ध्यान रखा, उपवास और उपासना के द्वारा शुद्धिकरण किया अपना, थोड़े अपने दिनचर्या में अच्छे परिवर्तन किए, इसको मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योग आयुर्वेद की एक एक जड़ी बूटी में 50, 100, 200, 500, 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड प्रकृति परमेश्वर ने पैक किए हुए, जिन्होंने योग का, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, औषधियों का प्रयोग किया, प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जीवन को जिया, और जैसे हम शुद्धिकरण के उपाय बताते हैं, जिन्होंने उपाय किए वो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए। डायबिटीज का सबसे बड़ा लक्षण है HbA1c जो लोगों का 10, 12, 15, 16 तक पहुंच जाता है, उसको 6 से नीचे 5, 5.5 तक ले आना, जो थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करते हो तो 4, 4.5 तक भी ले आना, 4 से 5.5 के बीच HbA1c आ जाए तो समझ लो आप नॉन डायबिटिक है, और इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आपका बीपी यदि 80-120 के आसपास रहता है, 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं, 70-90 और ऊपर से 120-130 के बीच में रहता है तो बिना मेडिसिन के आप ऐसा रह सकते हो, एलोपैथी की दवाओं के बिना। आयुर्वेद की दवा मदनाश्री, मधुग्रीट शुगर के लिए, इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, अथवा कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर आंखों के लिए, किडनी के लिए भी आईग्रीट, इरिनोग्रीट आदि। बीपी के लिए तो सिंपल लौकी का जूस, मुक्तावटी बीपी ग्रीट, थायराइड के लिए थायरोग्रीट, धनिया का पानी, अस्थमा के लिए सांसारी ब्रोंकोम, आर्थराइटिस के लिए पीड़ा नील ऑर्थोग्रीट। स्वासारी ब्रोंकोम से लंग के डीजर्नेट हुए सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं, हड्डियों के कार्टिलेज के डीजर्नेट हुए सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं, वातहर आहार लहसुन कल्प पूरे खाने पीने की व्यवस्था बताते हैं, और पीड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं, रिजुविनेट हो जाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, कार्टिलेज और आपकी बोन सेल्स। कितना ही भयंकर वात पित्त कफ, भयंकर पित्त रोग है, एसिडोग्रिट लिवोग्रिट, डीजनरेट वे लीवर के सेल।